और दोस्तों, क्या हाल चाल? सब मस्त है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और उठने में ना हाथ कांप रहा है मेरा, थोड़ा थोड़ा। मेरे भाई यहाँ पे भट्टी लगाने जा रहा है और चारों लोग ना यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पे देखो सुसु कर दिया ये। ए पापी आओ, बाहर आओ। बाकी 3 तो उधर चले गए। उन लोग के ऊपर ना कुछ बोरा वगैरह डाल देता हूँ मैं। काफी ज्यादा ठंड है यार सुबह सुबह तो। कैसे ये पन्नी को निकाल दिया? हेलो, बंद हो जाओ इसमें। आओ चलो इसमें रखो, इसमें आओ घुसो, इसमें इसमें घुसो, इसमें घुसो, इसमें घुसो। हे रुको, इसमें घुसो, घुसो इसमें। आओ देखो ये बैठ गया। आओ तुम भी आओ, इसमें घुसो, जल्दी घुसो, जल्दी घुसो। आओ उसे जल्दी, ठंडी लगेगा नहीं तो। चलो भाई तुम लोग घुसते रहे ना। चलिए ब्रश वगैरह करता हूँ, चाय वगैरह पी के फिर पानी पूरी गलना है भी। तो देखिए ये जो ईंटे रहते हैं ना, ये हम लोग क्यों लगाते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये जो जाली रहती है ना, इसमें से हम लोग का कोयला ज़्यादा अंतर ना जाए, और ईंटे लगा देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। और रोज राख निकालनी पड़ती है, ये राख राख को फिलहाल जो गड्ढा है अभी उधर डाल देते हैं, और यहाँ पे फिर अभी राख निकाल के आग लगाना चालू करेंगे। मैं चलता हूँ अंदर। अभी सब काम हो गया है, यहाँ पे पानी पूरी तल रहे हैं। और ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे दूध वाले पूरा बोरा ले गए, आलू का बोरा। कितने का हो गया भैया? मैं अंदर में ना वीडियो एडिट कर रहा था, मतलब एक बोरा 20 रुपए के लिए है ना, तो ये कितना बोरा है? अच्छा ये फटा वाला 10 रुपए के लिए है। फटा वाला 10। मेरी मम्मी जाएगी प्याज काटेगी। ठंडी ठंडी। मेरे भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? महाकालेश्वर। किसके साथ ले जाओगे इसको? जानता कुछ नहीं है ना, खाली ये बताएगा, ये खाली बता देगा कितना बजे से कहाँ तक ट्रेन चलेगा, बाकी होटल वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ट्रेन के बारे में इससे जानकारी ले लेना, ऑल इंडिया का। तो दुकान सेट कर दिया हूँ, बस नहाने जा रहा हूँ। और ये डुगडुग जब से खेल रही है, पेरे यार बार बार फिर खेल गई डुगडुग, सो गई खेलते खेलते। उड़ा दे, सो जा बच्चे। पढ़ाइए पढ़ाइए। कैसे डुगडुग? डुगडुग से मिल लो एक बार। हटो, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ। कैसे डुगडुग? कैसे डुगडुग? देखिए देखिए कैसे करती है ना, देखिए ना कैसे करती है, देखिए देखिए। कहा बेटा? शाम को मिलते हैं, शाम को, शाम को ना। आज सोमवार है। टाप टाप टाप, चल छुट गया। देखो टाप दे अम्मा, कहाँ लगे आ गया हूँ? हाँ खुला नहीं भैया, बोहनी भी नहीं किया हूँ मैं। कितने खुला चाहिए? 150 तो 10 करेंगे। अभी तक बोहनी नहीं किया हूँ मैं, देखिए ना 1 रुपये नहीं मेरे पास। देखिए मसाला पूरा वैसे के वैसा ही है, अभी तुरंत लाया हूँ। टाइम लगेगा अभी आधा एक घंटा, 150 कमाएंगे। कैसे करूँ, ऊपर लगा लूँ थोड़ा सा कि यहीं रह दूँ, देखता हूँ। क्या खाओगे भैया? ये तावा मेरा हिलता है यार बहुत ज़्यादा यार, मैं ना इससे परेशान हूँ। बेल्डिंग करवा दूँगा दिक्कत होगा ना? अगर मैं बेल्डिंग करवा दूँगा तो कभी मैं सामने में लगाता हूँ, कभी इधर लगाता हूँ, तो कभी ठेला ऐसे रहता है, कभी ऐसे रहता है, इसलिए दिक्कत करता है ना। बेल्डिंग नहीं करवा सकता इसमें, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। डाल दो मिर्ची, छोले डाल दे, छोले थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टाइट ही है थोड़ा सा अभी। पूरा डाल दीजिए ना, पूरा पूरा एक बार और, मतलब मैं गलती से थोड़ा सा बोल दिया था। हाँ अब ठीक है। ये आ गया छोले, ये आ गया प्याज, ये आ गया पानी, मिर्चा। मिर्ची भी खाएगा? पापड़ी। किसमें? पागल है का? बोलता है इसमें पापड़ी डाल दे। आज स्पाइसी ज्यादा का पता नहीं, खा के देखना। हाथी वाला? देखो भाई कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, यही बोल रहा है हाथी वाला।
हाँ सर जी, हाँ सुन ले, नाम क्यों गया, कहाँ हो गया? कितने का पैक करना है भैया? 20 का। 30 से 20? 20 20 20 का 30 और 20 में ना बड़ा दिक्कत होता है। 30 के 20 नहीं, सही में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। वही 20 है, वही 30 है। थोड़ा सा मेरा हाइट बढ़ जाता है यार। कभी कभी इंग्लिश में बोलना पड़ जाए भाई। हाँ 20 बोलना पड़ता है। कभी पूछता भी हूँ मैं लोगों से, भैया 20 ऐसे करके पूछता हूँ, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। 30 बोल रहा है कि 20 बोल रहा है। हाँ अब डायरेक्ट 50 बोलना पड़ेगा। हाँ सरफराज बिरयानी पापड़ी हो गया, ये मेरे पास चेंज भी नहीं है। चेंज है? लीजिए ना, लीजिए लीजिए। चेंज है इनके पास? है चेंज? ऐसा बड़े आदमी है ना। अरे वाह, 40 है। 40 है? हाँ 30 वापस करना है उनको मेरे को। 30 रुपये आपका। पैसे दिए? वही मैं बोला, आप पैसे नहीं दिए, चले गए आप। ये देखिए अभी 4 भी नहीं बजे हैं और किशन का ना पूरा सामान खत्म हो गया है और वो घर जा रहा है। और मेरे पास वही अभी मान लो एक पन्नी पूरी बची हुई है, स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई है अभी। 30 रुपये आवाज़ छोटी छोटी पानी पूरी फिर से और बहुत ज़्यादा छोटी छोटी। और सामने से कांच में धूप पड़ता है ना तो बहुत सारी फूट भी जाती है, उठा उठा के ऊपर रख देता हूँ। पापड़ी में फोड़ने का काम आता है, देने का काम आता है। और जब पानी पूरी छोटी छोटी रहती है ना तो खुद ऐसा लगता है कि थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, खिलाते खिलाते ना। तो स्कूल की छुट्टी हो गई और 5 बजने वाला है और ये भैया लोग के लिए चाट बनाना है। चाट बना देता हूँ। कितना बनाना है भैया? होल प्लेट 3 थे, अब जितना है उतना बना देता हूँ, ज़्यादा मटर नहीं बचा हुआ है मेरे पास। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, पकड़िए सर। तो 3 नंबर से डाल दूँ इसको पूरा? हाँ डाल दीजिए। और ज़बरदस्त तीता होना चाहिए ना, हरा मिर्चा। क्या हो गया? अरे एक दिन पनीर मिर्ची लेके गया। हाँ इतने हरा मिर्ची डलवा दिया भैया। ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो मैंने मुझे तो परेशान इसलिए होते हो ले जा। बोरवास में 200 की एक पार्टी। हेलो, पैसा तो देना पड़ेगा। ये लीजिए नमक। समाप्त हो गया, चलते हैं। एक कैसे डाकू टाइप से बांध लिए हैं आप? है? लग रहा है ना? एक है इसमें? इसमें थोड़ा में कम कम सामान है, लैपटॉप है। मेरे को लैपटॉप का बैग है ना वैसे? हाँ, ये लैपटॉप का ही बैग है लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं। ऐसा जी? ऐसा क्या काम करते हो उसमें डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हो? ऑफिस में काम करता है। ठीक है, बढ़िया है। आ जाओ आगे। ये दोने वगैरह पूरा यहाँ पे साफ करके जाना पड़ता है भाई, पूरा मतलब पूरा। मतलब एक लकड़ी की जो चम्मच होती है ना अपन जिसमें चाट खाते हैं वो भी नहीं। चलो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। आ? नहीं बचाया हूँ भाई, तो ठेला में नहीं आया था आज खाने के लिए। कहे सामान लेने गया तो गरीब बन कर गया। अरे वाह, कोई बात नहीं, मैं जीजा के पास खा लिया। तो एक तो 5 वाला पार्ले जी दिया जाए कलेक्टर साहब। अच्छा वाह, ये कौन सा पढ़ाई था भाई? अरे ईयरफोन लगाई थी पढ़ने। हेलो 5 रुपए। हाँ म,
मतलब क्या हो गया? रुको एक मिनट, कोई बुला रहा है मेरे को, बताओ। हम बदलाव दिखा आपको। किसके में? दस वाले पूरा नीचे ना। पढ़ाई में लोग के? तो ये तो ईयरफोन लगाई है। अभी ईयरफोन है मेरे को लगा। अब ये लोग तो दरवाजा बंद कर देते हैं इधर से, पता नहीं चलता। कैसे टुकड़ू? बोल पापा, पापा बोल पापा, बोल पापा, बोल पापा, बोल पापा, पापा। सो जा डुगडुग, सो जा डुगडुग। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया तो, और व्लॉग को लाइक कर दिया करो। और पार्टी व्लॉग अब धीरे से आने वाले हैं क्योंकि शादी का सीजन चालू हो रहा है। मिलेंगे, छोटी मोटी पार्टियाँ मिलेंगी और शादी के सीजन के पार्टी मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताना प्लीज़ इस चीज़ को कि अगर मेरे को बुकिंग मिलती है तो पार्टी ब्लॉग आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अगर मेरे को बुकिंग नहीं मिलती है तो क्या मैं दूसरे के पार्टी, मतलब जो भी है पानीपुरी वाले जितने भी हैं सारे हमारे कम्युनिटी के हैं, ठीक है, तो उनके साथ जाके मैं पार्टी ब्लॉग बनाऊँ? मजा आएगा। कमेंट करिएगा इस चीज़ को लेके। ठीक है, बाय बाय।